पापा जी नहीं नहीं पापा जी, आपके हाथ जोड़ रहे हैं पापा जी, लाइट मत जलाओ पापा जी हमारी, और कुछ भी कर हमसे चोरी कर रहे हैं। पहली बार कुछ अरे राधे लाल गुरु गोबर शुक्ला और छपेना अखबार में कर लीजिए आप। एक और खबर छपेगी अखबार में, इस बार अगर गलती हुई पापा जी पहली बार राधे लाल नहीं पिटेंगे और पिटेगा। कृष्णा जी ये सब क्या कर रही हैं आप? आप पैकिंग क्या कर रही हैं कृष्णा जी? आप हमारी बात तो सुनिए, हमारी बात सुनिए कृष्णा जी, आप प्लीज रुकिए। बस राधे जी बस बस, हम और कुछ कह सुन नहीं पाएंगे, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं, और आज जो हुआ है उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। देखिए हम कोई हल्ला कोई नाटक नहीं करना चाहते हैं, हम बस इस घर में और नहीं रह पाएंगे, तो प्लीज हमें मत रोकिए प्लीज। जा रहे हैं मगर कृष्णा जी आप कहाँ जा रही हैं? हम जानते हैं आपके साथ गलत हुआ है, मगर कृष्णा जी आप ऐसे थोड़ी जा सकती हैं आप घर छोड़ के। देखिए बचपन में हम कुछ भी करते थे, पापा हमें और मम्मी को दोनों को सजा देते थे, मगर हमने कभी घर छोड़ने की बात नहीं की। कृष्णा जी प्लीज रुक जाइए प्लीज, हम जानते हैं जो भी हुआ बहुत गलत हुआ आपके साथ। गलत हुआ? गलत आज नहीं हुआ है, गलत तो उस दिन हो गया था जिस दिन हमारे पापा समझ नहीं पाए कि इस घर में हमारी शादी करा के वो हमारी जिंदगी खराब कर रहे हैं। गलत तो उस दिन हो गया था जिस दिन आपके मम्मी जी ने सबके सामने हमारी बेइज्जती की बिना हमारी गलती के। गलत तो उस दिन हो गया था जिस दिन आपके पापा जी ने जबरदस्ती हमें कमरे में धकेल दिया और कहा कि सुहाग रात मनाओ। आज जो हुआ है ना उसे गलत नहीं कहते, उसे कानून की भाषा में जुर्म कहते हैं, जुर्म। अरे पापा जी ने भी हमें जलाने की कोशिश की, समझ रहे हैं आप? अरे जान से मार देते आज वो हमें, पूरे परिवार के सामने हमारी जान लेने की कोशिश की गई और किसी ने कुछ नहीं कहा। सब खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तमाशा देखते रहे? हम तमाशा देखते रहे? कृष्णा जी हमने पापा जी को रोकने की कोशिश की थी कितनी बार, आपको वो दिखाई नहीं दिया? एक भी चोट एक भी खरोच नहीं आने दी आपको, और आप बोल रहे तमाशा देख रहे थे। मगर कृष्णा जी एक बात समझ लीजिए हमारी, जिंदगी में जो हो जाए मगर आप पे आंच नहीं आने देंगे, प्रॉमिस करते हैं। अगर आप प्लीज घर छोड़ के जाने की बात मत कीजिए। अब हमसे नहीं हो पाएगा राधे जी। घर में इस भट्टे में हम और नहीं रह सकते हैं। हमें लगा था कि शादी के चक्कर में हमारा सपना हमसे छीन गया है, हमें लगा था कि हम इस घर में नहीं टिक पाएंगे। इस घर में औरतों को मर्दों के पैर की जूती समझा जाता है, पढ़ाई लिखाई के साथ किसी का कोई नाता नहीं है। पर फिर भी जब आपके पापा जी ने आपसे आपकी बाइक छीन ली तब आपका दर्द हम महसूस कर पाए थे। पता है क्यों? क्योंकि वो बाइक आपका सपना है, पर सपना टूटने का दर्द हम जानते हैं, इसीलिए हम आपको आपकी बाइक लौटाना चाहते थे। इसीलिए हम पापा जी की मर्जी के खिलाफ कंपटीशन में गए। सोचा था कि सब खुश हो जाएंगे जब कंपटीशन जीत के आएंगे, पर नहीं, ऐसा हुआ नहीं। आज हमें पता चला कि इस घर में हमें बहू तो क्या, इंसान तक नहीं समझा जाता है। आपके पापा के लिए हम बस एक ट्रॉफी है जिसे वो 17 लाख रुपए देकर खरीद लाए हैं। राधे जी, आपका ये घर औरतों के लिए सजा है, जेल है, जेल। और इस जेल में हम और सजा नहीं काट सकते, इसलिए कल सुबह होते ही हम घर से निकल जाएंगे। मगर कृष्णा जी, आप ऐसे कैसे जा सकती? हम बात करेंगे ना पापा जी से। अच्छा, आप बात करेंगे पापा जी से? है हिम्मत आप में उनसे जाकर सवाल पूछने की? कह पाएंगे उन्हें कि आज जो उन्होंने किया वो सिर्फ गलत नहीं जुर्म भी था? कह पाएंगे उन्हें कि आज जो उन्होंने किया उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी? नहीं, क्योंकि आपके घर में आपके पापा जी जो भी करते हैं वही सही होता है। है हिम्मत आप में उनके सही को गलत कहने की? नहीं ना? तो जाइए, जाकर पहले हिम्मत जुटाइए, फिर आकर हमसे बात करिएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।